दोस्तों मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रिज की जब रिले ओएलपी खराब हो जाती है तो कैसे हम उसको बहुत सरल और आसान तरीके से लगा सकेंगे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रिज के पीछे किसी भी वायर्स या किसी भी पाइप वगैरह को छूने से पहले हम फ्रिज की लाइट को ऑफ जरूर कर लें। फ्रिज की पावर बंद करने के बाद ही हम फ्रिज के पीछे किसी भी पार्ट को हम छुएंगे। तो फ्रिज को बंद करने के बाद यहाँ पर कंप्रेसर के पास रिले लगी है, उसे इस तरह से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाती है। बिल्कुल इस तरह से ये दोनों बाहर आ जाती है। इसको लगाना बहुत सरल है, जस्ट यहाँ से इसको खींचनी है, ये बाहर आ गई। इसके बाद इसकी जगह में हम दूसरी नया वाला इस तरह से सेट कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे देखते हैं, ये जो रिले है इसकी जो पिन है इसको भी ऐसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये तो चलिए देखते हैं रिले कैसे लगा सकते हैं। तो रिले बिल्कुल इस तरह से लगेगा और रिले के ऊपर तीन पिन दिया हुआ है, जिसमें एक दो और ये जो तीन पिन है इसमें देखते हैं जो कंडेंसर का पिन है ये सबसे पहले एक ऊपर राइट साइड पे लगा देते हैं और दूसरी जो पिन है इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अब रिले के लिए जो पावर आएगी थर्मोस्टेट से वो यहाँ पर हमें राइट साइड में लगा देते हैं। दोस्तों हमें ध्यान देना है कि हमारी जो रिले है बिल्कुल नीचे लग रही है। इस तरह से अगर कंप्रेसर के ऊपर हमारी जो रिले है इस तरह से लग रही है तो राइट साइड में लगेगी, लेकिन कुछ एलजी की मॉडल्स होती है जिसमें ओवरलोड नीचे लगती है, रिले ऊपर लगती है, उसमें इसकी जो कनेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसे हमें लेफ़्ट साइड में नहीं देनी है, इसको राइट साइड पे ही देनी है। तो ये रिले की वायरिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसको कैसे कंप्रेसर के ऊपर लगानी है, तो यहाँ कंप्रेसर के पास जो खुटी रहती है उसमें ये वाली ऊपर साइड लगता है, दूसरी ये जो है इसके नीचे लगा देते हैं। तो इस तरह से हम रिले को कंप्रेसर पे लगा सकते हैं। तो रिले चेंज करना बहुत सरल और आसान है। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के नीचे लिखकर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे फ्रिज से जुड़ी एक नई वीडियो में।